नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, न्याय के देवता भगवान शनि देव 30 जून को एक बार फिर अपनी चाल बदलने जा रहे हैं, जिससे कि एक बड़ा राजयोग का निर्माण होगा। जी हाँ दोस्तों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 30 जून सन 2024 को अर्धरात्रि 12:35 पर शनि कुंभ राशि से शनि कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे और शनि की वक्री चाल 15 नवंबर 2024 तक रहेगी। इसके बाद वो एक बार फिर अपनी मार्गी चाल चलने लगेंगे। और दोस्तों, शनि के वक्री यानी कि उल्टी चाल के साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होगा, जो कि कई राशियों के लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इन राशि वालों को अब भगवान शनि देव की कृपा से मिलेगी अपार खुशियाँ ही खुशियाँ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान शनि देव अब 12 राशियों में से कुछ राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं, जिससे कि अब इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और इन राशि वालों के जीवन में अब भगवान शनि देव की चाल बदलने से आने वाली हैं अपार खुशियां ही खुशियां। भगवान शनि देव का आशीर्वाद से इन राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शनि देव उल्टी चाल यानी कि वक्री चाल चलते हैं तो उसे वक्री शनि कहा जाता है। पृथ्वी से देखने पर शनि उल्टी दिशा में चलते हुए दिखाई देते हैं और भौगोलिक रूप से शनि की गति की दशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में शनि अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में विराजमान है और शनि इस राशि में साल 2025 तक रहेंगे और फिर इसके बाद मीन राशि की यात्रा पर होंगे। आपको बता दें कि शनि के कुंभ राशि में होने से केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होगा, जिससे कि कुछ राशि वालों का नसीब अब एकदम से बदल जाएगा और इन राशि वालों को धन लाभ प्राप्ति के नए नए योग बनेंगे, जिससे कि कुछ राशि वालों का नसीब बदल जाएगा और इन राशि वालों को धन लाभ प्राप्ति के कई सारे योग मिलेंगे और इन राशि वालों को धन लाभ प्राप्ति के कई सारे योग प्राप्त होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको उन्हीं कुछ भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके ऊपर भगवान शनि देव की चाल बदलने के कारण इनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, बिल्कुल भी आप इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो इन राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखें। इससे भगवान शनिदेव का आपको सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में काफ़ी सारे देवी देवताओं की मान्यता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इन देवी देवताओं में से एक नाम भगवान शनि देव का भी आता है। भगवान शनि देव सर्वोच्च न्यायाधीश हैं और भगवान शनि देव अनुचित कार्य करने वालों को समय आने पर दंड भी देते हैं। शनिदेव सूर्य पुत्र और कर्म फल के दाता माने गए हैं और आपको बता दें कि मोक्ष को प्रदान करने वाले एकमात्र भगवान शनिदेव ही हैं।
शनिदेव को लेकर हालांकि बहुत सारे लोगों के अंदर घबराहट होती है, लेकिन सच बात तो यह है कि शनिदेव प्रकृति में संतुलन बनाकर रखते हैं और ये सभी प्राणियों के साथ उचित न्याय करते हैं। शनिदेव की कृपा जिस इंसान पर हो जाती है उस पर कोई भी परेशानी नहीं आती। जो लोग गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, भगवान शनिदेव उन्हें दंड देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब भगवान शनिदेव की कृपा 12 राशियों में से कुछ विशेष राशि वालों पर होने वाली है और इन राशि वालों पर भगवान शनिदेव बहुत अधिक अब प्रसन्न हो गए हैं। अब इन राशि वालों के जीवन में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रहेगी। आपको बता दें कि भगवान शनिदेव अब इन राशि वालों पर अपनी अत्यधिक कृपा बरसाने वाली हैं। जी हाँ, जिससे कि जिसके प्रभाव से इन राशि वालों के जीवन में अब आने वाली हैं अपार खुशियाँ ही खुशियाँ। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव की कृपा से इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और इन राशि वालों को भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, जिन खुशनसीब भाग्यशाली राशियों की हम बात कर रहे हैं, जिन पर भगवान शनिदेव की कृपा होने वाली है, उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशि में से जो पहली राशि आती है वो राशि है वृषभ राशि। जी हाँ दोस्तों, आप बताना चाहेंगे कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनने से वृषभ राशि के लोगों को करियर और कारोबार में तरक्की इस दौरान मिल सकती है। साथ ही इस दौरान आपको काम और कारोबार में शानदार सफलता भी मिल सकती है। इसके साथ ही इस समय आपको आपकी सोची हुई योजनाओं में सफलता मिलेगी, वहीं आपकी आय के सोर्स बनेंगे। इसके साथ ही जो लोग बेरोज़गार हैं उनको कोई नई नौकरी मिल सकती है, वही नौकरी पेशा लोगों का मनचाही जगह ट्रांसफ़र भी हो सकता है। व्यापारियों को इस दौरान अच्छा धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, अगली राशि है मिथुन राशि। बताना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग का बनना शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह योग आपके गोचर कुंडली के भाग्य स्थान पर बनने जा रहा है, इसीलिए इस दौरान आपकी किस्मत चमक सकती है। साथ ही आप काम और कारोबार के संबंध से यात्रा कर सकते हैं, वहीं साथ ही इस समय आप धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही प्रतियोगी छात्रों को इस समय किसी परीक्षा में सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही आपके अटके हुए सभी कार्य, रुके हुए सभी कार्य इस अवधि में बन सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगली जो राशि आती है वह है सिंह राशि। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि सिंह राशि के लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग का बनना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जी हाँ, बता दें कि आकस्मिक धन की आपको इस दौरान प्राप्ति हो सकती है। परिवार के सभी लोगों और रिश्तेदारों के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे। अविवाहितों के लिए रिश्तों के प्रस्ताव इस दौरान आ सकते हैं। आप इस समय पार्टनरशिप का काम भी शुरू कर सकते हैं। वहीं कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको इस दौरान विजय मिलेगी। इस दौरान भगवान शनिदेव के चाल परिवर्तन के कारण आपके रुके हुए सभी काम पूरे होंगे। बिजनेस और कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको लाभ प्राप्त होगा और प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलने के भी योग बन रहे हैं। रोजगार के प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। पुराने रोग से भी आपको इस दौरान मुक्ति मिल सकती है। आपके ऊपर भगवान शनिदेव की अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिससे कि अब आपको धन लाभ प्राप्त होने की संभावना है। आपको बता दें कि इस राशि के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरक्की मिलेगी। जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें विदेश में नौकरी और पढ़ाई करने की संभावना उनके लिए बन रही है। साथ ही साथ इस राशि के लोगों के आय में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, अगली राशि है मेष राशि। बताना चाहेंगे कि शनिदेव की चाल परिवर्तन से बन रहे
केंद्र त्रिकोण राजयोग से इस राशि के लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी समय रहने वाला है आपके साथ। पदोन्नति आपको इस दौरान मिल सकती है। लंबे समय से चली आ रही समस्या से अब आपको निजात मिलेगा। व्यापार में सफलता के साथ अधिक मुनाफा आपको हो सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय आपका बीतेगा। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपके पैसों से संबंधित सभी समस्याएँ भगवान शनिदेव अब दूर करेंगे। आकस्मिक धन लाभ के भी आपको योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपके राशि वालों के ऊपर अब बन रही है, जिससे कि अब आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है अब अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे कि अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, अगली भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि शनिदेव के चाल परिवर्तन से बन रहे केंद्र त्रिकोण राजयोग से कुंभ राशि के लोगों को लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आपके चेहरे पर अब एक अलग ही तेज देखने को मिलेगा। आपके बड़े बड़े लोगों से संबंध बनेंगे। काम आपके बहुत दिनों से रुके हुए थे, वे अब आपके बनने लगेंगे। जीवन साथी की इस अवधि में तरक्की हो सकती है। वहीं इस समय आपको पार्टनरशिप के काम में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि में ही बन रहा है, इसीलिए इस दौरान आपके आत्मविश्वास में भी ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिल सकती है। साथ ही इस समय कुंभ राशि वालों को जीवन के ज़्यादातर क्षेत्र में प्रगति मिलेगी। साथ ही दैनिक इनकम में वृद्धि हो सकती है। वहीं इस दौरान आपको मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी साथ मिलेगा। इसके साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति हो सकती है। वहीं इस समय जीवन साथी की तरक्की भी निश्चित है। कुल मिलाकर भगवान शनिदेव की कृपा से आप लोगों के लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव आपके ऊपर बेहद ही प्रसन्न हैं। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि इस दौरान देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। और आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा से आपको अब सफलता के नए नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगली भाग्यशाली राशि है वृश्चिक राशि। बताना चाहेंगे कि शनिदेव के वक्री चाल चलने से बन रहे राजयोग से आपको आर्थिक और प्रॉपर्टी के मामलों में लाभकारी समय सिद्ध हो सकता है। आप इस दौरान प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अनुकूल समय ये बन रहा है। रियल एस्टेट, जमीन जायदाद या फिर शनि ग्रह से संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए ये समय शानदार साबित हो सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको नौकरी के अच्छे अच्छे ऑफर भी इस दौरान प्राप्त हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि अगली जो खुशकिस्मत राशि है वो है मकर राशि। बता दें कि इन राशि वालों को अब आर्थिक रूप से मजबूती प्राप्त होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। आपको आपके जीवन की अलग अलग क्षेत्र से अपार धन लाभ होगा। नई नौकरी के अवसर और व्यापारिक अवसर में कोई बड़ी डील आपको मिलने के योग बन रहे हैं। इस समय शनिदेव की कृपा से आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। किसी भी संपत्ति में निवेश करने का यदि आप सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपके घर परिवार में इस दौरान खुशनुमा माहौल रहेगा। साथ ही साथ आपकी कारोबार में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में सफलता आपको प्राप्त होगी। अचानक से धन लाभ प्राप्ति के आपके लिए संभावना बन रही है। साथ ही साथ नया मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रही हैं तो वह योजना आपकी सफल होगी। दोस्तों, अगली खुशकिस्मत राशि है वह है तुला राशि। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस राशि वाले लोगों के लिए शनि की वक्री अवस्था में निर्मित केंद्र त्रिकोण राजयोग बेहद लाभकारी है। संतान पक्ष में आपको सफलता प्राप्त होगी। निवेश के लिए अनुकूल समय है। करियर में तरक्की आपको मिल सकती है। बैंकिंग निवेश में लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में भी सफलता के संकेत हैं।
कार्यस्थल में आपके कर्मचारी आपके काम से प्रसन्न होकर उच्च अधिकारी कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंप सकते हैं। भाग्य का पूरा पूरा आपको साथ मिल सकता है। भगवान शनिदेव की दया दृष्टि से आपको बहुत जल्द कोई शुभ संदेश मिलने के योग बन रहे हैं। जी हाँ, आपके द्वारा की गई मेहनत का अब आपको पूरा पूरा फायदा प्राप्त होगा। आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से ज़्यादा बेहतर होगी। दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ेगा, साथ ही साथ इस राशि के लोगों को अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की अब प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों अगली राशि है कन्या राशि। बता दें कि आपके ऊपर अब भगवान शनिदेव की विशेष कृपा बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में अपने अधिक मुनाफा होगा। धन लाभ प्राप्ति के अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें संतान प्राप्ति अवश्य होगी और साथ ही साथ उनके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे, साथ ही साथ आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे। दोस्तों इस दौरान जो लोग नया वाहन या घर खरीदना चाहते हैं तो वह योजना आपकी अवश्य ही सफल होगी। शनिदेव की आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी हुई है, आपकी समस्त मनोकामनाएं अब भगवान शनिदेव पूरी करेंगे। शनिदेव की कृपा से अब आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और सफलता की प्राप्ति होने वाली है, जिससे कि आपके राशि वालों का जीवन अब पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।